हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं, गिटार है केपमा का D1C, आप देख सकते हो ये है। तो ये ब्लैक कलर में है, केपमा का D1C गिटार। और इसके बिल्ड क्वालिटी की हम बात करें तो बहुत ही अच्छी है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है। और यहाँ पे जो आप इसका फ्रेटबोर्ड देख रहे हो, फ्रेटबोर्ड जो है वो रोजवुड का बना हुआ है। इसलिए क्या है कि जो भी आप यहाँ पे प्रेस करते हो तो आसानी से आप प्रेस कर सकते हो, ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो नहीं है तो आप आसानी से फास्ट जो है इसमें प्ले कर सकते हो। उसके बाद इसमें जो नॉब्स भी अच्छे क्वालिटी के लगे हुए हैं यहाँ पे। और इस पर हम लोग कुछ एक बार प्ले करके देखते हैं, साउंड अगर हम लोग कुछ टोन प्ले करते तो कैसा सुनने में लगता है, और कुछ कॉर्ड्स हम लोग प्ले करके देखते हैं कि कॉर्ड्स कैसा अगर सुनने में लगता है। तो एक बार कुछ ट्यून्स हो गया, जैसे इसमें कुछ हम लोग कॉर्ड्स में कुछ सॉन्ग्स प्ले करके देखते हैं कैसा सुनने में आता है। तो साउंड भी हम लोग देखेंगे इसमें एक बार। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदलना जाना ले लिया दिल हर मराद, आए दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। तो ऐसा साउंड है इसका, आप देख सकते हो, तो बहुत ही क्लियर साउंड है। तो ये था सारा डिटेल इस गिटार के बारे में, केपमा D1C के बारे में। और हम लोग क्या है कि एक बार इसका साउंड टेस्ट करके देखते हैं, जो सबसे पॉपुलर गिटार है यामाहा का F310, तो उसके मुकाबले इसका साउंड कैसा एक बार आप भी सुन सकते हो, क्योंकि इसका जो वॉइस है बहुत ही शार्प और खुला हुआ है। तो जो भी आप प्ले करते हो बेस टोन में एकदम पूरा खुला खुला इसका आवाज़ आता है। तो एक बार हम लोग F310 भी प्ले करके देखते हैं, तो साथ ही साथ आपको समझ में आ जाएगा कि किसका साउंड बेटर है आपको और कौन सा जो ब्रांड है आपको परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हो आप, हमारे पास ये है यामाहा का F310 गिटार। और अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें दोनों गिटार के बीच में, तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हो, वहाँ पे जो सारे डिटेल्स हैं वो दिए हुए हैं। इसको एक बार हम लोग प्ले करके देख सकते हैं। आपने केपमा का अभी साउंड सुना, इसका साउंड आप सुने पर। तो ऐसा साउंड है। तो अभी हम लोग साउंड की बात करें तो इसका थोड़ा दबा हुआ साउंड है, बहुत ज़्यादा इसका शार्प साउंड नहीं है, बट उसका जो साउंड था वो ज़्यादा खुला खुला साउंड है। तो बाकी आपने साउंड सुन लिया और आप जो है कंपैरिजन को देख सकते हो, आपको कौन सा साउंड अच्छा लगा, तो उसके हिसाब से फिर आप परचेस कर सकते हो गिटार को। तो जो लिंक होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, तो आप जा करके वहाँ पर भी चेक कर सकते हो, यामाहा F310 को भी देख सकते हो, और जो आपका केपमा है केपमा को भी आप देख सकते हो। आपको जो पसंद आए फिर उसको आप ऐसे परचेस कर सकते हो। तो जो हमारा साइट है musicstore.in, उस पर आप जा करके पूरे डिटेल्स में क्या है कि दोनों गिटार के बारे में आप चेक कर सकते हो। और आपको जो प्राइसिंग मिलेगा यहाँ पे वो सबसे सस्ता होगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि अगर आप Amazon पे लेते हो या फिर आप bajao.com से लेते हो, तो वहाँ से बहुत ही कम प्राइस में जो है आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं, लगभग 1 से 2 हज़ार रुपये तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट नहीं, मतलब क्या हुआ कि प्राइस ही ऑलरेडी कम है। और अगर आप मेरा जो कोड है कोड को यूज़ करते हो तो उसमें आपको और एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो यही था फाइनली रिव्यू केपमा और ये F310 के बीच में जो कंपैरिजन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।